आफ्टर वॉचिंग द वीडियो अगर आपको ऐसा लगे कि ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात करने वाले हैं पहले की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में कि डीसी मोटर क्या है। आज हम जानेंगे डीसी मोटर का फुल कॉन्सेप्ट, तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक और देखते रहिए। तो डीसी मोटर की जो डिज़ाइन होती है एवं उनकी जो संरचना होती है वो 1 HP से लेके 100 HP या 100 HP से लेके कई हज़ार HP तक की कैपेसिटी के लिए बनाई जाती है, ठीक है। और जो क्या होता है विभिन्न प्रकार कि डीसी मोटर का प्रयोग क्या होता है उनके कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर किया जाता है, यानी उनके परफॉर्मेंस के आधार पर डीसी मोटर का मतलब चयन किया जाता है। यानी डीसी जो हमारी मोटर होती है उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे क्या होती है डीसी मोटर का कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया कि वो हाई टार्क की मशीन होती है, उसका स्पीड कंट्रोल बहुत ही अच्छा होता है, उसका मैकेनिकल वर्क्स बहुत ही अच्छा होता है। तो क्या होता है सामान्यतः डीसी मोटर का प्रयोग जो होता है वो हाई टार्क, ठीक है, गुड स्पीड कंट्रोल और मैकेनिकल वर्क के लिए किया जाता है। यहाँ पे जो मैकेनिकल वर्क है वहाँ पे क्या होता है हाई टार्क आ जाता है। कॉन्सेप्ट समझिएगा, मैकेनिकल वर्क्स मतलब क्या हो गया, जैसे ही क्या होता है कहीं पे ज़्यादा सामान को मतलब मूव कराना है, जैसे क्या हो गया हमारी एक लोकोमोटिव उदाहरण ले सकते हैं। क्या होता है हमारी जो लोकोमोटिव होती है वो क्या होती है रन करने के लिए शुरुआत में बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग टार्क की ज़रूरत होती है। स्टार्टिंग टार्क का मतलब ये हो गया कि शुरुआत में जब वो चलता है तो उसको बहुत ज़्यादा बल की आवश्यकता होती है। तो जो हमारी डीसी मोटर होती है वो शुरुआत में बहुत ज़्यादा बल लेकर चलती है, उसको ही कहते हैं हमारी स्टार्टिंग टार्क। तो हमारी जो डीसी मोटर होता है उसकी स्टार्टिंग टार्क बहुत ही अच्छी होती है। इसका जो प्रयोग होता है वो हम क्या करते हैं लिफ्ट में करते हैं, क्रेन में करते हैं, और लेथ मशीन होता है, पंप होता है, ट्रॉली होता है, एक्सेट्रा में करते हैं। डीसी मोटर क्या करता है हमारे इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करता है। और हमेशा जो क्या होता है हमारे जो डीसी मोटर होता है वो लेंज के नियम पे कार्य करता है। डीसी मोटर की जो घूमने की दिशा होती है वो क्या होती है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार निर्धारित करते हैं। यानी जो हमारी फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड है उसके अनुसार क्या करते हैं हमारी जो डीसी मोटर की घूमने की दिशा को निर्धारित करते हैं। और हमेशा जो हमारी डीसी मोटर हो गई या फिर एसी मोटर हो गई, कोई भी मोटर हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको डीसी मोटर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आप चाहते हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।